जय श्रीनाथ जी, बहुत दिनों से एक इंसिडेंस आपसे शेयर करना था कि ये 30-40 डेज पुरानी बात है। एक दीदी आई थी सेंटर पे और वो कंटिन्यू यही इच्छा रख रही थी कि उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, वो अपनी ड्रिंकिंग छोड़ दें। एंड शी वॉज लाइक कि क्या कर सकते हैं ऐसा वैसा। तो आसपास जो भी गाइडर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये ट्रीटमेंट कर लीजिए, वो ट्रीटमेंट कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। एंड देन शी वॉज लाइक कि नाउ आई एम टायर्ड ऑफ एवरी थिंग बिकॉज आई हैव डन एवरी थिंग एंड आई डोंट नो वेदर इट वर्क्स और नॉट, सो व्हाट वुड यू से ऑन इट। तो आई सेड देखिए, एक योगी का जो चित्त होता है वो जागृत हो जाता है, लेकिन अगर हमारा चित्त हमारे प्रॉब्लम्स पे है तो फिर हम लोग लो एनर्जी जोन पे हैं। अगर हमारा चित्त परमेश्वरी शक्ति पे है फिर वह हम हाई एनर्जी जोन पे हैं। तो संकल्प जो हम हमारे मन में क्रिएट करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। और अन्न ये पूर्ण ब्रह्म है। जैसे दीदी आप अगर घर पे खाना बनाती हैं तो हमने उनका ऐसा सजेस्ट किया था कि बस आप उस पर हाथ रखिए और जो भी आपका फेथ है उस प्रकार से आप मंत्र ले लीजिए। कोई अन्नपूर्णा का ले सकता है। और ऐसा बोलते हैं कि एडिक्शन का संबंध लेफ्ट नाभि से आ जाता है, तो कोई ग्रह लक्ष्मी का मंत्र ले सकता है। लेकिन उसके अंदर हमको इमोशंस डालने हैं। क्या इमोशंस डालने हैं? कि अभी मेरे हस्बैंड ने या मेरे बच्चे ने या जो भी आपके लव्ड वंस हैं उन्होंने ड्रिंकिंग छोड़ दी, इज लेफ्ट एल्कोहल, और ये चीज़ आपको उसमें 100% डालनी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, वो तो मानेंगे ही नहीं, ये तो होता ही नहीं है, और आपको तो पता है अभी ये सब बातें तो आप तो जानते हैं, कुछ ऐसा एकदम तगड़ा इलाज हो जो करते ही बात बन जाए। तो मैंने कहा इससे बड़ा तगड़ा इलाज नहीं है। सबसे पहले तो आपने अपने आप के साथ बैठना है और ये बोलना है कि उस इंसान ने शराब छोड़ दी। क्या होता है, जो पिंड में अटकता है वो ब्रह्मांड में अटकता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे थॉट में, हमारी साइकी में अटकी हुई हैं कि भैया वो तो ऐसे ही हैं, वो तो सुनते ही नहीं हैं। देखिए श्रद्धा क्या होती है ना, जो चीज़ नहीं हो सकती उस पर विश्वास करना श्रद्धा कहलाती है, जो चीज़ हो सकती है उस पर विश्वास रखे तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो चीज़ हो ही नहीं सकती वो होगी, इस चीज़ का अपने दिल में जो एक दिया जलता है, एक जो माँ की जोत जलती है, वो श्रद्धा कहलाती है। एंड एक्चुअली उन्होंने ये चीज़ की कि उन्होंने खुद की भी लेफ्ट नाभि क्लियर की, अपना राइट हैंड श्री माता जी की ओर रखा, लेफ्ट हैंड ज़मीन पे रख के कुछ ईड़ा नाड़ी के श्री भैरवनाथ के मंत्र तो लिए ही लिए, लेकिन ये लेने के वक्त क्या हो गया, उनके दिमाग में जो नेगेटिविटी थी कि ये ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, दुनियादारी बस ऐसी है, ये सारी चीज़ें वर्कआउट हो गई। और स्पेशली जब वो खाना बनाते थे तो उन्होंने उसके अंदर वाइब्रेटेड पानी भी मिक्स किया, और वाइब्रेटेड पानी सिर्फ मंत्रों से सिद्ध करना इफ़ेक्टिव है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उसको इमोशन से सिद्ध करेंगे तो वो और भी वर्कआउट होता है। लेकिन क्या है ना, कोई एक ही चीज़ का संकल्प डालना है। बहुत बार हमारे बारे में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि हमको लड्डू भी चाहिए, जलेबी भी चाहिए, पेड़ा भी चाहिए, मतलब जितनी चीज़ें सब हमको चाहिए, तो दैट डजंट हैपन। वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो आपने जीवन में एक संकल्प लेना है, क्या कि भैया इन्होंने अल्कोहल छोड़ दिया। बच्चे हैं, यंग हो गए, 30, 31, 35, भैया क्या बताऊँ, जॉब नहीं करते, सेंटर नहीं जाते, ध्यान धारणा नहीं करते, कोई आध्यात्मिक चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं, फिर वो गलत चीज़ों में इंटरेस्ट है, गलत साथ हैं, ये वो, बुला के बोल के हो गया, मार के हो गया, पीट के हो गया। अभी हम लोगों को अलग अलग चीज़ों से बताते कि हमारे बच्चे कैसे स्मार्ट हैं, लेकिन आपने पत्ते का इलाज किया, मूल का इलाज नहीं किया। किसी भी बीमारी को जड़ से मिटाना ज़रूरी है। और जड़ क्या है, ये जो जड़ है हमारा, अब ये जो शरीर है ये जड़ है, ये क्या खाता है, अन्न खाता है। अन्न क्या है, पूर्ण ब्रह्म है। अभी पूर्ण ब्रह्म को एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं, आप आपके दोनों हाथ आपके खाने की थाली पर रख लीजिए, एक गिलास पानी पर रख लीजिए, आपकी जो भी मंत्र उपासना है, जिस भी मंत्र में आपकी श्रद्धा है, जिसका आप रेगुलर पठन कर रहे हैं, गणेश मंत्र हो सकता है, अथर्वशीर्ष हो सकता है, काल भैरव हो सकता है, जो भी आपकी श्रद्धा है वो मंत्र आप ले लीजिए। उसके बाद आप उस पर हाथ रख के गई है
श्री माता जी, आई लव यू, ओ डिवाइन एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स, आई लव यू। और उसके बाद में जब आप माँ से करीबी, भगवती से करीबी महसूस करेंगे, तो आपके दोनों हाथों से चैतन्य की लहरियाँ बहना शुरू हो जाएंगी। उस वक्त आप उसमें एक संकल्प डाल दीजिए कि इन्होंने अब शराब पीना छोड़ दिया, या ये अभी बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, बच्चे अच्छा इंटरव्यू दे रहे हैं, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, या बच्चे खाना ही नहीं खाते तो बच्चे खाना खा रहे हैं। छोटी से छोटी बात का संकल्प आप लीजिए, एक वक्त पे एक ही लीजिए, और उस संकल्प को आप उस अन्न में खाना बनाने के वक्त डाल दीजिए। या जो वाइब्रेटेड पानी आप मंदिर में रखते हैं रात को, एक लोटा पानी, उसके ऊपर भी आप संकल्प से सिद्धि कीजिए, उसको माँ के पास रख दीजिए, सुबह पीने में यूज़ कर लीजिए। विद इन 3 months ये चीज़ आपको वर्कआउट हो जाएगी, आई एश्योर यू। बिकॉज कभी कभी जो चीज़ आप में अटक रही है वो पूरे आपके लाइफ में अटक रही है, तो हमको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से पॉजिटिव परसेप्शन को अपने अंदर यूनाइट करके काम करना है। ओके, जय श्री राधे जी।